रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक चैनल को, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यू टेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं गुड लक ऐप के ही एक एप्लीकेशन को, जो कि काफ़ी कूल है, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और एक चीज़ और बताने वाला हूँ, फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जो हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर बनाने वाला हूँ सैमसंग J6 के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स की डिमांड थी। और इसके अलावा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, गुड लक ऐप जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करनी है अपनी डिवाइस में। इसके अलावा भी और भी कोई मेथड्स हैं, उनके भी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। सबसे पहला जो मेथड होता है वो सिंपल होता है, गुड लक ऐप को इंस्टॉल करना होता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे आप जाएंगे डायरेक्ट सैमसंग के स्टोर पर, क्या कहता है सैमसंग उसको, गैलेक्सी ऐप, हाँ, तो आप गैलेक्सी ऐप पर जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है सिंपली, उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप चले जाएंगे अपनी सेटिंग्स पर। ऐसी कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेगी और यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा ग्रीन कलर का, दैट मीन्स आपने जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया अपनी डिवाइस में सक्सेसफुली। और उसके बाद में क्या करना है आपको, अगर आप चाहें तो यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं टैप एंड होल्ड करके, तो फिर आपकी होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा इसी क्लॉक का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसकी सेटिंग पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शन होता है नॉर्मली जो आपको पहले देखने को मिलता है, जहाँ से आप जो है अपने थीम स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पर आपको कुछ क्लॉक फेस देखने को मिलते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे लगा सकते हैं, बट मुझे वो इतने कूल नहीं लगते। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है, वहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे क्लॉक फेस देखने को मिलेंगे, अभी तक मैंने काउंट नहीं करे कितने हैं, बट यहाँ पर काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं क्लॉक देखने को मिल जाएंगे, क्लॉक स्टाइल, जिसको आप अपनी डिवाइस पर अप्लाई कर सकते हो। और स्पेशली ये उन डिवाइसेस के लिए काफ़ी बेहतर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा सैमसंग का C9 Pro है, सैमसंग की A2017 सीरीज़ है, यहाँ पर हमें काफ़ी कम जो है क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, तो फिर आप इनमें इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि इसका जो बैटरी कंजप्शन है, पहले जब ये नया नहीं आई थी तो फिर काफ़ी ज़्यादा था, बट अब इसका बैटरी कंजप्शन काफ़ी इंप्रूव करा और काफ़ी कम है। सेम जैसा आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेता है 1% 4 घंटे में, इसका जो है 1% 3 घंटे में लगता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया और मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। इसके जो जो डिफ़ॉल्ट है वो इतने अच्छे नहीं है। ओके, सो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको ही क्लॉक स्टाइल्स को अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सिंपल मेथड है। आप जब अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल करेंगे इस एप्लीकेशन को, जैसे कि मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस क्लॉक स्टाइल का, क्लॉक फेस करें इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जैसे आपने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद में आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पर, सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन आपको जाना है लॉक स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप साइड में स्वाइप करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बट अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइसेस में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी तक तो वीडियो नहीं बनाई थी, बट काफ़ी सारे लोगों को मालूम है पहले से ही, तो यहाँ पर इसके अलावा भी एक तरीका और है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ऑन करना है गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्विक शॉर्टकट मेकर, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल प्ले का, आप वहाँ से डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे। एंड आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, काफ़ी छोटी एप्लीकेशन 1.4 MB के आसपास की, आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे इसको ओपन कर लिए, पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको इंस्टॉल होने के बाद में आपको इसको ओपन करना है एंड ये एप्लीकेशन को लोड करके इसे लोड होने देना है, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली सर्च कर देंगे तो एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये कंप्लीट हो चुका है सर्चिंग। अब आपको करना क्या है, अब आपको सर्च करना है सिंपली क्लॉक CLOCK, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये सर्च करना है आपको, यहाँ पर आपको क्लॉक के ऑप्शन मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो भी क्लॉक के नाम से सेटिंग्स अवेलेबल है, यहाँ पर आपको क्लॉक फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसको क्लिक करना है एंड आपको क्लिक करना है ट्राई पर। जैसे ही आप ट्राई पर क्लिक करेंगे आपके जो क्लॉक फेस है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि विजिबल हो जाएगा, हाँ दिखने लगेगा, तो फिर आप वहाँ से भी फिर अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं काफ़ी कूल कूल क्लॉक स्टाइल। सो फ्रेंड्स, यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, लाइक तो यार करे दो, मोटिवेट मिलती है। और अगर आप नए हो तो यार रेड बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन कर दो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्यूचर में काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है, ऑलमोस्ट 3 वीडियो आई थिंक कल से 3 वीडियो मिलेंगे आपको। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।